76 किलोग्राम भार वर्ग का पंजाब और यूपी के बीच ये मैच है। रेड कॉस्ट्यूम में पंजाब की पहलवान और ब्लू कॉस्ट्यूम में यूपी से इशारा पैसिविटी देते हुए ब्लू कॉस्ट्यूम की पहलवान को। लगातार कुश्ती चलाने की कोशिश, धकेलने की कोशिश पंजाब की पहलवान के द्वारा की जा रही है और यहां से होल्ड करते हुए वार्निंग देते हुए कि आप कुश्ती को रोक नहीं सकते हैं, होल्ड करके कुश्ती को बाधित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से सिंगल लेग अटैक यूपी की पहलवान के द्वारा किया गया और पॉइंट निकाल पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। खाता नहीं खुल पाया अभी तक किसी भी पहलवान का और यहाँ से पीछे जाने की लगातार कोशिश करते हुए यूपी की पहलवान जा पाएंगे या नहीं, होल्ड किया हुआ है हाथ को। और यहाँ से बेलनी दाव घूमते हुए पंजाब की पहलवान लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और 2 पॉइंट से खाता खोल लिया है यूपी की पहलवान ने, दिव्या ने। दिव्या काकराल ब्लू कॉस्ट्यूम में और 2 पॉइंट से खाता खोल चुकी है। 76 किलोग्राम फॉरवर्ड का ये मैच चला हुआ है और एक बार फिर अटैक लगाने की कोशिश की थी लेकिन डिफेंस करते हुए पंजाब की पहलवान गुरशीन। बहुत ही अग्रेसिव मैच, 76 किलोग्राम भार वर्ग का और स्कोर की बात करें तो 0-2 का स्कोर। दो पॉइंट बनाए हुए हैं दिव्या ने और यहां से डबल लैग अटैक लेकिन डिफेंस करते हुए पंजाब की पहलवान और पीछे जाने की कोशिश कर रही हैं, जा पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लगातार कोशिश पीछे जाने की हो रही है लेकिन डिफेंस करने में कामयाब होते हुए यूपी की पहलवान दिव्या। और 30 सेकंड का ब्रेक। और इस मैच की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो 76 किलोग्राम भार वर्ग का मैच चला हुआ है पंजाब और यूपी के बीच, रेड कॉस्ट्यूम में है पंजाब की पहलवान गुरशीन और ब्लू कॉस्ट्यूम में है यूपी की पहलवान दिव्या काकरा। और यहाँ से जिस तरह पॉइंट निकालने की कोशिश की दिव्या काकरा ने, और ये 30 सेकंड का ब्रेक समाप्त। पंजाब की पहलवान खाता नहीं खोल पाई है अभी तक और यहां से लगातार कुछ एक बार फिर डबल लैग अटैक और यहां से बहुत ही शानदार टेक डाउन और 4 पॉइंट का अटैक लगा दिया है दिव्या ने और स्कोर हो गया है दिव्या का 6 पॉइंट और बाई भाल का खतरा पंजाब की पहलवान के ऊपर और बाई भाल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं, डिफेंस करते हुए पंजाब की पहलवान गुरशीन। 76 किलोग्राम भार वर्ग यह मैच और स्कोर की बात करें तो 2-0-8 का स्कोर हो गया है, 8 पॉइंट की लीड है
दिव्या काकरण के पास। और यहाँ से इस मैच को समाप्त करने के लिए 2 पॉइंट की और जरूरत है, वो 2 पॉइंट ले पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, सिंगल लेग अटैक किया है, एंकल होल्ड किया है, उठाने की कोशिश पंजाब की पहलवान के द्वारा की जा रही है डिफेंस करते हुए दिव्या। और यहाँ से रन कर दिया है और 2 पॉइंट और आते हुए दिव्या के खाते में, और स्कोर हो गया है 0-10। टेक्निकल सिक्योरिटी के आधार पर यह मैच समाप्त।